हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आईआईटीएन थिंकिंग। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे जेई मेंस का पूछा गया था और जेई मेंस 2019 में। तो इसमें क्या कुछ नहीं करना था, सिंपल आपको देखिए, कभी भी NaOH हीट के प्रेजेंस में गिवेन होता है तो वह क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। और NaOH एक बेस है, बेस का काम है मोस्ट से HDCH प्लस खाना। तो मोस्ट से HDCH प्लस आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ भी H गिवन था, यहाँ भी H गिवन था। हम कहेंगे ये बेस इस H प्लस को खाएगा, एक H प्लस को खाएगा। आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं खाया। तो यहाँ से जो H प्लस निकलेगा ना, उसके बाद जो कार्बन आयन बनेगा, देखिए ये वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ये एक माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा है। तो माइनस आई लगाने वाले इफेक्ट जो लगाते हैं ग्रुप, उनके बगल वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है और यहाँ से रेजोनेंस भी कर रहा है। तो ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ये है ना। तो ये इस लॉजिक से हम ये सोच सकते हैं कि ये बेस जो है इस एच प्लस को खाएगा। तो जैसे ही इस एच प्लस को बेस खाया, कौन सा, ये हमारा NaOH इस H प्लस को ले लिया, और ले लिया तो कार्बन आयन बना। अब देखिए, कार्बन आयन जो बना ना यहाँ से, ये कार्बन आयन क्या करेगा, तुरंत यहाँ पे देखिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि ये कीटोन है। अब ये नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाके अटैक कर लेगा, और जैसे ही यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ बना के आपको दिखाते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए जैसे बना था बाकी वैसे बना लो। जैसे अब यहाँ से कितने मेंबर रिंग बन रहा है ये भी देख लो, 1 2 3 4 5 पांच मेंबर रिंग बन रहा है। तो नंबरिंग कर लिया करो तो आसानी रहेगा। देखो 5 मेंबर रिंग हम बना देते हैं भाई, बना दें। अब देखो एक नंबर पे हमारा, मान लो एक से हमारा 5 अटैच है, एक से हम 5 अटैच करवा देते हैं, 1 5, ठीक है ना। बाकी दो नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लिए, 3 4 5 बन गया भाई 5, ठीक है। अब देखो एक नंबर पे हमारा एक एस्टर भी लगा था, देखो ये एस्टर लगा ना एक से, इसको भी बना लो COET, दिख रहा है बन गया एस्टर। अब देखो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन ऐसे ओपन हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया भाई, ये ऐसे एरो अगर ऐसे गया तो इसके आगे साइड नेगेटिव होता है, टेल पार्ट पे पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे ओपन होगा। अभी जैसे ही नेगेटिव आया तो देखिए यहाँ पे ये वर्कअप हो जाता है, अपने आप H प्लस आके इसको नेगेटिव को हटाना चाहता है, क्योंकि हर एक स्पेसिस न्यूट्रल स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वो ये अपने आप प्रैक्टिस से आ जाता है, वहाँ पे H आ जाता है, अपने आप आ जाता है, वर्कअप बोलते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा OH आ जाता है। अब देखिए OH आ गया तो अब भाई एलिमिनेशन में, पता है एलिमिनेशन में क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए कभी भी अगर आपको एलिमिनेशन करा रहे हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एल्कीन बनता है, यही पॉसिबिलिटी होता है, मतलब कि एल्कीन ही बनता है। तो अब यहाँ OH है, अब हीट भी गिवन होता है, तो हीट मतलब पानी को आप गर्म करो तो वेपर बन के उड़ जाएगा भाई, पानी गर्म कर दो कि उड़ जाएगा वेपर बन के, तो -H2O बाहर करना है। तो अब आप -H2O कहाँ से बाहर कर सकते हो, एक H यहाँ दिख रहा है, ध्यान देना एक H यहाँ दिख रहा है, तो आप निकाल तो कई को सकते हो। देखो चाहे तो इस OH को इसके H के साथ निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड ला दो, चाहे इस H को भी निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड ला दो, और चाहे इस OH के इस H के बगल में इसको निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड ला दो। तो हम तीनों बनाना चाहेंगे, लेकिन इसमें जो स्टेबल होगा वो बताएंगे कौन है। देखिए पहले तो हम इस OH को बाहर करते हैं मान लो, ठीक है। हमारा देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। देखिए ये हमारा पहला पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी कि हम इस AH को OH को इसके OH के साथ निकाल दें, तो उसको भी बना देते हैं भाई, ठीक है। देखिए उसको भी हम बना ही लेते हैं COET, देखिए यहाँ से ये आ गया। और तीसरी पॉसिबिलिटी आप इस OH को इसके इस H को के साथ पानी बना के बाहर निकाल दो, तो देखिए तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से है, यहाँ डबल बॉन्ड आप ला दो, ठीक है, बाकी जो जैसे था वैसे लिख दो। तो अब इसमें से कहोगे सर ये तो तीनों बन गए, आप मेजर किसको कहोगे, तो डियर मेजर आप थोड़ा सा सोचो। देखो ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, कंजुगेशन में है, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है कंजुगेशन में, दिख रहा है। और जहाँ पे रेजोनेंस होता है तो वो तो ज़्यादा स्टेबल होता है भाई, बढ़िया है, वो तो सब चाहते हैं रेजोनेंस हो। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ना तो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, रेजोनेंस मतलब कंजुगेशन, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड डी, ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। और ऐसे भी कंडीशन होती है रेजोनेंस की, आपने पढ़ा, हमने पूरा GOC पढ़ा रखा है, नेगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर हो, ठीक है ना, या तो डबल बॉन्ड हो, तो ये भी रेजोनेंस का कंडीशन होता है। तो यहाँ पे देखो ये ABCD, देखो यहाँ पे ABBC हो BC, और यहाँ पे CD के बाद डबल बॉन्ड, CD के बाद डबल बॉन्ड है नहीं, तो कंजुगेशन है ही नहीं, नो रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला हमारा
ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यही मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट में और सारे वीडियोज़ हैं, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं, ढेर सारे क्वेश्चन, आप उसमें देख लेना। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।